हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिप्रा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो मिशन 2023 में आज हमारा ना चैप्टर 3 अध्याय 3 जिसका नाम है आव्यू, इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स, ये आज शुरू होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप अगर आप सोए हुए हो ना तो जाग जाओ। क्यों बताऊं? क्योंकि दो अध्याय ना खत्म कर चुके हैं हम लोग, दो अध्याय बहुत जबरदस्त तरीके से खत्म कर चुके हैं और बहुत लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं। क्या आप उठा रहे हो क्या बोला मैं। तो चलो पूरा अपना ध्यान इधर केंद्रित करो, अब नया अध्याय शुरू होगा और नए अध्याय को बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग एकदम शुरू करेंगे। अभी से अध्याय का वेटेज बता दूं तो एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एक अंक का रहेगा। तो एक अंक का एक क्वेश्चन हो गया, एक अंक का एक क्वेश्चन होने वाला है। सर बहुत बढ़िया, और बताओ इसमें सबसे जबरदस्त चीज क्या है कि 6 अंक का एक क्वेश्चन होने वाला है, 6 अंक के एक क्वेश्चन होने वाले हैं। ये मतलब अगर इसकी बात करूं तो ये 7 अंक वाला अध्याय है, 7 अंक वाला अध्याय है, 7 अंक। चैप्टर 1 संबंध एवं फलन से 6 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आए थे। चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन इस चैप्टर 3 से 6 मार्क्स के एक क्वेश्चन तो आएंगे। तो देखो एक अंक का क्वेश्चन और 6 अंक का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये 7 अंक देके जाएगा, तो आप समझ सकते हो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये चैप्टर 3 आ गया तो चैप्टर 4 सारणिक भी बनेगा। तो चैप्टर 3 जो नहीं समझा वो चैप्टर 4 नहीं समझ पाएगा, क्योंकि चैप्टर 3 में आप वो बेसिक पढ़ लोगे जो चैप्टर 4 में काम आएगा। तो इसमें मैं क्या क्या डील कराने वाला हूँ ध्यान से देखना। पहले मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रस्तावना, इस मैट्रिसेस के बारे में आपको बताऊंगा, आव्यूह के बारे में, उसके बाद आव्यूह की समानता, आव्यूह का योग, दो आव्यूह को हम कैसे जोड़ते हैं, उसका व्यवकलन यानी कि घटाने को बोलते हैं, दो आव्यूह का हम जोड़ और घटाने के बात करेंगे, एक आव्यूह का एक अधिश गुणनफल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो आव्यूह का गुणनफल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि योगफल भी देखेंगे दो आव्यूह का, घटाने की भी बात करेंगे, इसका मतलब घटाना होता है, और गुणनफल की भी बात करेंगे, और परिवर्त तथा व्युत्क्रम आव्यूह की मैं बात करूंगा। तो ये पूरा टॉपिक मैं ये आप लोग को एक समराइज वेव में, इतना सारा टॉपिक बनेगा इसका, इतने सारे वीडियो बनेंगे, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, टाइम कम है, तो इसका पूरा निचोड़ मैं इतने में देने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान से इस लेक्चर को और आने वाले जितने भी मेरे लेक्चर है और पीछे जितने भी लेक्चर है सभी को ना ध्यान से देखना, क्योंकि सवाल बताऊं बोर्ड का है, इस बार कक्षा 12वीं बोर्ड का है, तो मजाक बात नहीं। तो ठीक है, फिर इस जर्नी को शुरू करता हूं मैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं परिचय बताता हूं कि क्या होता है आव्यूह, ठीक है। तो ध्यान से बस देखते रहना आप लोग, है ना, मैं बोला बस ध्यान से देखते रहना, इधर उधर मत ध्यान देना। यहां पर देखो मैं एक क्या बनाया, एक आयताकार एक बनाता हूं मैं और एक वर्ग बनाता हूं, बस ध्यान से आप लोग बस देखते रहिए। मैं अभी परिभाषा में मत जाओ, परिभाषा लिखना तो नहीं आएगा ना, बस ध्यान से देखते रहो, इस पॉइंट को मैं ए माना, इस पॉइंट को मैं बी माना, इस पॉइंट को मैं सी मान रहा हूं, इस पॉइंट को मैंने माना डी। तो ये आयत है, आप लोग को मालूम है क्या, ठीक है, आयताकार है और ये वर्गाकार है। ये पॉइंट को भी मैं ए दे देता हूँ, इस पॉइंट को भी मैं बी दे दिया, इस पॉइंट को मैंने सी दिया और इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ डी। अब बस ध्यान से देखते रहना, बस ध्यान से आप लोग देखते रहो। तो अगर मैं आयत की बात करूँ तो मेरे को मालूम है यहाँ पे ये और ये समान होते हैं, क्या आप लोग को मालूम है, क्या आप लोग को मालूम है? हाँ सर, और ये वाला साइड और ये वाला साइड समान होता है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ए बी बराबर है सी डी के, और यहां से मैं बोल सकता हूं कि ए सी बराबर है पी सी के, ठीक है, बस ध्यान से देखते रहना ना। अब अगर इसको आप लोग देखोगे तो एक वर्ग के चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसमें भी मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ए बी बराबर है सी डी के, और ये भी बोल सकता हूं कि ए सी बराबर है बी डी के। यहां पर डी आएगा, बी डी, है ना, यहाँ पे बी और डी, चलो ये बी और डी, क्लियर है क्या, बस इसको ध्यान से देखते रहो। ये हो गया इक्वेशन 1 कर देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कर देता हूँ। क्यों मैं कर रहा हूँ अभी पता चलेगा, अभी मैं आ रहा हूँ ना इसमें ध्यान अभी उतना मत दो। चलो अब मैं बोला
कि मैं आव्यू ए बनाता हूँ और आव्यू को इस बड़े ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट से हम लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक आव्यू में मैं कुछ अंक लेने वाला हूँ। अभी ध्यान से देखते रहो, अगले स्लाइड में आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखते रहो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं। ये मैं लिखा 1 2 3 0 5 6 1 1 2, कुछ भी लिख सकता हूं मैं। ये ध्यान से देखो, तो ये मेरा क्या है, एक आव्यूह है। अब इसमें आप लोग अपना ध्यान केंद्रित किए। लिखा है कुछ संख्याओं स्लैश फलनों, यहां पे कुछ फलन भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ संख्या, मैं भी संख्या लिखा हूं, कुछ संख्याओं स्लैश फलनों की पंक्ति एवं स्तंभों में। अब ये पंक्ति और स्तंभ क्या वाला है वो मैं बता रहा हूं। अब ये पंक्ति और स्तंभ क्या वाला है, ये देखो, ये जो है आप लोग का, ये क्या कहलाता है, जो हॉरिजॉन्टल रहता है वो कहलाता है पंक्ति, ये कहलाता है पंक्ति, ये कहलाएगा पंक्ति, ठीक है, पंक्ति। और सर यहां पे तो स्तंभ भी है, तो स्तंभ किसको बोलते हैं, ध्यान से देखो, जो ऐसे ऊपर से नीचे की ओर होता है, ये मेरा क्या है, स्तंभ है, ये मेरा स्तंभ है। तो ये जो पूरा पार्ट है ना नीचे का, ये क्या कहलाएगा, स्तंभ, स्तंभ। और पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो, जिसको मैं आर से शो करता हूं, पंक्ति को आर से शो करेंगे। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, जिसको मैं सी से शो करूंगा। तो पंक्ति को हम लोग आर से शो करेंगे, स्तंभ को हम लोग सी से शो करेंगे। तो अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे, ये पहला पंक्ति है तो इसको मैं आर वन बोल देता हूं, ये दूसरा पंक्ति तो ये आर टू, ये तीसरा पंक्ति तो आर थ्री। अब देखो ये पहला कॉलम है, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। इसका एक सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था में रखा हुआ है ये नंबर। अभी ध्यान से देखो, देखो कुछ संख्याओं स्लैश फलनों की पंक्ति, ये दिख रहा है पंक्ति एवं स्तंभों में, एवं स्तंभों में सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था को, इसमें ध्यान से देखना, आयताकार व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं, आयताकार व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होगे, ये बना, ये ऐसा दिख रहा है कि ये आयताकार है, लेकिन 3x3 का ये वर्गाकार है। एक्चुअली में क्या है, ये पूरा एक वर्ग है, ये देखो, ये ऐसा। तो यहां पे प्रश्न ये उठता है कि सर आप बोल रहे हो आयताकार, तो क्या एक आव्यूह आयताकार भी हो सकता, आयताकार ही होता है, वर्गाकार नहीं होता? नहीं भाई, एक आव्यूह आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। बहुत सारे बुक, और आपके जो सीजी के बुक है, बहुत सारे बुक में आयताकार लिखा हुआ है। तो क्यों सर आयताकार लिखा है, मतलब फिर आयताकार ही होना चाहिए, ऐसे वर्गाकार नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे देखो, इस कंडीशन को मैं पहले लिखाया, देखो ये आयताकार का कंडीशन है। आयताकार में क्या होता है, ए बी बराबर सी डी, ए सी बराबर बी डी। और यही कंडीशन वर्गाकार में भी होता है, ए बी बराबर सी डी, ए सी बराबर बी डी। तो ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन दोनों सेम है, तो इक्वल वन, सॉरी इक्वेशन वन इज इक्वल टू इक्वेशन टू है। तो आप लोग आयताकार एवं वर्गाकार भी बोल सकते हो, ठीक है। सिर्फ आयताकार दिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आयताकार ही हो, वर्गाकार भी हो सकता है, क्योंकि आयताकार का ये कंडीशन और वर्गाकार का ये कंडीशन दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये कंडीशन दोनों इक्वल है, तो बाय डिफॉल्ट आयताकार लिख देते हैं, लेकिन एक आव्यूह आयताकार भी हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है। आयताकार व्यवस्था को मैट्रिक्स कहते हैं। इस प्रकार की क्रमित व्यवस्था में, देखो क्रमित व्यवस्था में जमा है, कोई ऐसे ऊपर नीचे नहीं भाग रहा है, एक प्रॉपर ऐसे पंक्ति में है और ऐसे प्रॉपर कॉलम में। तो क्रमित व्यवस्था में प्रयुक्त संख्याएं उन आव्यूह के अवयव कहलाती हैं। तो ये जो भी ना इस ब्रैकेट के अंदर है, वो क्या कहलाती है, अवयव कहलाता है। अवयव किसको बोलते हैं, जो भी एक क्रमित व्यवस्था में प्रयुक्त संख्याएं, तो इसके अंदर जो भी संख्याएं हैं और एकदम सिस्टमैटिक ढंग से जमी हुई है, उसको अवयव कहते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। तो आप लोग को मोटा मोटा बस इतना मैं समझाना चाह रहा था कि एक अवयव क्या होता है, कोई संख्या होता है जो पंक्ति और स्तंभ में सुनिश्चित आयताकार या वर्गाकार भी बोल सकते हो, आयताकार और वर्गाकार व्यवस्था को अवयव कहते हैं। और उस अवयव के अंदर जो
ये जो नंबर है वो क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। आपको बस इतना ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, पंक्ति, स्तंभ, अवयव, ठीक है। ध्यान से देखो, अब देखो इसको मैं आगे और लिखा कि इस आयताकार व्यवस्था को, यहाँ पे भी आयताकार आ गया भाई, वर्गाकार हो सकता है, देखो ये वर्गाकार लिया और एक आयताकार लिया, ठीक है। इस आयताकार व्यवस्था को प्रायः छोटे ब्रैकेट से भी आप दर्शा सकते हो या बड़े ब्रैकेट से बंद किया जाता है, है ना। ये जो मैं लिया बड़ा ब्रैकेट से बंद किया, इसको आप कहीं कहीं बुक में छोटे ब्रैकेट से भी बंद करते हैं। किसी आव्यु को प्रायः बड़े अक्षर, जब कभी भी मैं आव्यु लिखूंगा तो यहां पे हमेशा बड़ा अल्फाबेट होगा, स्मॉल अल्फाबेट यहां पे नहीं लिखेंगे, हमेशा कैपिटल अल्फाबेट होगा। तो किसी आव्यु को प्रायः बड़े अक्षर ए बी सी डेड डेड डैश आदि से तथा उनके अवयव, अवयव क्या होते हैं, एक आव्यु के ब्रैकेट के अंदर, तो उसके अवयवों को छोटे अक्षरों ए बी सी या एक्स वाई जेड आदि से व्यक्त करते हैं। तो आप इसमें अगर एक आव्यु बना रहे हो और संख्या नहीं लिखना चाहते, संख्या की जगह अल्फाबेट लिखना चाहते हो, तो ध्यान देंगे कि ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए और ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। तो ये आव्यु के कुछ मैं क्या लिखा, एग्जाम्पल लिख दिया। तो ये देख रहे हो ये वर्गाकार है, ये आयताकार है, ये भी आयताकार, आयताकार वो वर्गाकार भी है, आयताकार भी है, ठीक है। क्यों आयताकार ही लिखते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आयताकार को यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आयताकार का जो इक्वेशन है वो इक्वल है वर्गाकार के, तो मैं क्यों आयत और वर्ग दो टाइप दो बार लिखूं, आयत भी लिखूं और वर्गाकार भी लिखूं, तो मैं तो आयताकार लिखूंगा। ये भाई किसी ने बुक लिखा था, ये सोच दिया और ये कंडीशन के बारे में बात नहीं हुई, तो हम मान के चलेंगे भाई कि आयताकार नहीं, आयताकार और वर्गाकार भी होता है। तो यहाँ पे आते हैं, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मैं आप लोग का एक टेस्ट लेता हूँ, आव्यू ए और आव्यू बी दे दिया, तो आव्यू ए तथा बी में कितने अवयव हैं आपको बताना है। तो पहले का आंसर आप क्या दोगे, आव्यू ए का अवयव बता दो, आव्यू ए का अवयव बता दो, एक है ना, एक दो तीन चार पाँच छः अवयव है, छः अवयव है, तो आव्यू ए में छः अवयव हो गए। अवयव क्या होता है, ब्रैकेट के जो अंदर है ना वो अवयव कहलाता है, तो छः अवयव हो गए। फिर क्या पूछा है, तथा बी में कितने अवयव हैं, ठीक है बी के बारे में बात करता हूँ, बी का गिनो, एक दो तीन, तीन अवयव, ये तीन अवयव, तीन अवयव हैं। चलिए आव्यू ए तथा बी में कितने पंक्ति एवं स्तंभ है, तो आव्यू ए की मैं बात किया, आव्यू ए की मैं बात कर रहा हूँ, चलो हम लोग क्या ढूंढते हैं इसमें, इसमें पंक्ति ढूंढते हैं। तो ये देखो ये पंक्ति वन और ये दो पंक्ति हो गया, और ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ। तो अगर मैं आव्यू ए के बारे में बात करूं, सेकंड वाला आव्यू ए के बारे में मैं बात करूं, तो आव्यू ए में, आव्यू ए की मैं बात किया, तो आव्यू ए में दो क्या है, दो पंक्ति है, आर वन आर टू और सी वन सी टू सी थ्री, तीन स्तंभ है। तो अगर मैं बात करूँ कि इसमें R कितने हैं, तो दो पंक्ति है, और C की बात करूं तो तीन हमारे क्या है, कॉलम है। यह आप लोग को मैं पहचानना सिखा रहा हूं। अब आव्यू B के बारे में बात कर देते हैं, ठीक है आव्यू B के बारे में बात करता हूं मैं। तो आव्यू B के बारे में देखेंगे तो ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति, और इसमें देखोगे तो एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, ये हो जाएगा आर वन आर टू आर थ्री, और यहाँ पर सिर्फ सी वन है भाई, सिर्फ सी वन है। तो आव्यू बी में अगर मैं आव्यू बी की बात करूं तो रो मतलब पंक्ति मेरे हैं तीन और कॉलम है एक, कॉलम है एक, क्लियर है क्या ये बात, क्लियर है। तो पहचानना सीख जाओगे पंक्ति कितने हैं, कॉलम कितने हैं, ठीक है पंक्ति और स्तंभ आप लोग सीख जाओगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बताइए, और बोलोगे भी तो कैसे सुन पाऊंगा। अब देखो आव्यू की कोटि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बात बताओ अवयव कैसे गिन रहे हो आप लोग, ऐसे गिन रहे हैं ना, एक दो तीन चार पाँच छः, छः अवयव, एक दो तीन, ऐसे तीन अवयव है ना। अब देखो आव्यू की कोटि में आप डायरेक्ट अवयव निकाल सकते हो, देखो आव्यू की कोटि किसको बोलते हैं, अभी मत जाओ उधर, अभी मत जाओ उधर, मैं बोला अभी परिभाषा को मत देखो। अगर मैं एक आव्यू ए लिया, मैं एक आव्यू ए लिया, ठीक है एक दो तीन चार, ये मैं एक आव्यू लिया, क्लियर है क्या। अब हम लोग जैसे, अब एक बात बताओ, जब हम लोग कुछ लेने जाते हैं, जैसे कि किसी चीज़ का मेरे को ऑर्डर देना है, जैसे पलंग का ऑर्डर देना है, तो मैं बोलता हूँ ना इतने बाय इतने का पलंग बनाओ, टेबल का ऑर्डर देने जा रहे हैं तो इतने बाय इतने का टेबल बनाओ, वैसे ही हम लोग बताएंगे कि ये आव्यू कितने बाय कितने का है, आव्यू कितने बाय कितने का है।
तो इसको देखो कैसे बताते हैं। सबसे पहले हम लोग पंक्ति को गिनते हैं, तो पंक्ति कितना बताओ, एक और दो, कितनी पंक्ति है यहाँ पे, आर से शो कर रहा हूँ, पंक्ति कितनी है यहाँ पे, दो है सर। और स्तंभ कितने सर, स्तंभ भी दो हैं। तो इसका जो ऑर्डर है ना, यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे हमेशा पहले पंक्ति को लिखते हैं उसके बाद कॉलम को लिखते हैं, फिर कॉलम को लिखते हैं। तो बताओ पंक्ति क्या हो जाएगा, पंक्ति यहाँ पे दो हो जाएगा और गुणा, और ये कॉलम क्या है, दो। अब ये गुणा मत कर देना, इसको गुणा मत कर देना, ये गुणा नहीं है, ठीक है। गुणा मतलब वो वाला गुणा नहीं है कि हम लोग गुणा कर दें, हम लोग बोलते हैं ना इतने बाय इतने का टेबल है, इतने बाय इतने का, वही है। तो ये दो बाय दो का क्या है, दो बाय दो का ये एक आव्यूह है, दो बाय दो का आव्यूह। और सबसे पहले जो लिखा रहता है ना, ये जो लिखा रहता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है भाई, पंक्ति की संख्या होती है, ये पंक्ति की संख्या, ये लिख दिया मैं पंक्ति की संख्या, ये लो पंक्ति की संख्या मैं लिख दिया यहाँ पे। और ये क्या होता है, इस तरफ हमेशा लिखते हैं हम लोग, इस तरफ हमेशा लिखेंगे स्तंभों की संख्या। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या लिखो स्तंभों की संख्या। अगर आप लोग इतना समझ गए होगे तो अब आओ इस डेफिनेशन में। क्या दिया है, यदि किसी आव्यूह ए, ये देखो, यदि किसी आव्यूह ए में एम पंक्ति, पंक्ति को ये एम बोला है, तथा एन स्तंभ हो, तो इसे एम क्रॉस एन कोटि का आव्यूह कहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर किसी आव्यूह में, ये कोई आव्यूह है, इसमें एम पंक्ति हो, एम बोल दिया है, तो चलो मैं एम की वैल्यू को 3 ले लेता हूँ और एन की वैल्यू को चलो 2 ले लेता हूँ। एम क्या है, पंक्ति की संख्या, 3 पंक्ति कर देता हूँ, 1, 2, 1, 4, 5, 1, ये लो, और 2 स्तंभ, ये लो 2 स्तंभ, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ बन गए। करके दिखा दूं, ये देखो एक पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, हो गया। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, एम पंक्ति तथा एन स्तंभ हो, तो इसका जो है कोटि क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन हो जाएगा। एम क्या है, पंक्ति तो है, पंक्ति कितना है, 3, क्रॉस एन क्या लिया, ये एन क्या लिया, स्तंभ लिया, स्तंभ कितना में लिया, ये 2, तो क्या हो जाएगा, 3 बाई 2, समझ गए। तो आप लोग कितने बाय कितने का है बता दोगे आप लोग, तो ठीक है। जिसे ए एम क्रॉस एन, ये जो एम है ना पंक्ति की संख्या है, पंक्ति की संख्या, और एन है स्तंभ की संख्या, या ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अभी निरूपण में आप लोगों को समझाऊंगा, या ए बराबर ए आई जे ब्रैकेट क्लोज एम क्रॉस एन से भी व्यक्त करते हैं, ओके। एम क्रॉस एन कोटि के आव्यू में कुल एम इंटू एन अवयव होंगे, ध्यान से देखते रहना। अभी वाला लाइन में आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। यहां पे देखो ये कितने बाय कितने का है, बताओ कितने बाय कितने का है मैट्रिक्स सर, ये ना 2 बाय 2 का, ये तो दिख रहा है सर, ये 1 और ये 2, 2 क्या है इसमें पंक्ति, और 2 स्तंभ है, 2 स्तंभ है, ये 2 स्तंभ है, मतलब सर ये देखो 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ। हम लोग यहां से भी देख ले, 2 पंक्ति, ये R1, ये R2, ये C1 और ये C2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, मतलब 2 बाय 2 का क्या है, 2 बाय 2 का क्या है, ये मैट्रिक्स है। अगर आप लोग को अवयव निकालना है, तो कैसे करते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके गिनते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, ये जो कोटि आया ना आव्यूह का कोटि, उसी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ रहा है, देखो 2 इंटू 2 क्या आ रहा है, 4, मतलब इसमें टोटल 4 अवयव हैं, इसमें कितने अवयव है मैं पूछ दिया, तो आप लोग गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयव है, आप लोग गिनना नहीं चाहते, तो सीधा क्या देखना, कोटि देखना, कोटि कितना है, 3 बाय 2 का है, तो सीधा गुणा कर दो, 3 इंटू 2 तो कितना आया, 6, मतलब इसमें 6 अवयव है, 6 अवयव है। ये लाइन यही बोला, एम क्रॉस एन कोटि के आव्यूह में कुल एम इंटू एन अवयव होंगे, मतलब जितना इसका कोटि है ना, उसको गुणा करने के बाद जो आंसर आ रहा है ना, उतने ही अवयव इस आव्यूह में होंगे। बोलो भाई यहां तक क्लियर है, तो अभी तक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर आप लोग पहचान लिए हो, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट,
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आव्यूह का निरूपण, आव्यूह का निरूपण। तो यहाँ पे देखो आया था ना ए आई जे, वो क्या है मैं अभी बता रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। अगर मैं आप लोग को बोलूं ये आव्यू ए, ठीक है बस ध्यान से देखते रहना, ये लो इसमें मैं 3x3 का मैं क्या बना रहा हूँ, 3x3 का एक आव्यू बना रहा हूँ। कितने बाय कितने का, 3x3 का, मतलब सर तीन पंक्ति होगा और तीन स्तंभ होगा, सर तीन पंक्ति होगा तीन स्तंभ होगा, ये पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति, ये हो गया तीन पंक्ति और तीन स्तंभ सर, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ, ये हो गया। अब मैं आप लोग को बोल रहा हूँ पांच लिखो, मतलब यहाँ पे कुछ संख्या आएगी, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है और 3x3 के मैट्रिक्स में कितने अवयव होंगे, अवयव कितने होंगे 3x3 के मैट्रिक्स में, 9 अवयव होंगे। देखो 3×3 ये होते हैं 9, तो 9 अवयव होंगे यहाँ पे, मतलब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अवयव आएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ पहला अवयव पांच लिखो, तो कहाँ पे आप लोग लिखोगे, कहाँ पे लिखोगे, हो सकता है कोई पांच यहाँ पे लिख दे, हो सकता है कोई पांच यहाँ पे लिख दे, कहीं भी लिख सकता है। मैं बोल रहा हूँ पांच लिखो जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ। अब बताओ मैं कहाँ पे सोच रहा हूँगा पांच, मैं कहाँ पे सोच रहा हूँगा पांच, बताओ। तो कैसे करके लिखोगे, अगर मैं आपसे पांच लिखवाना चाहता हूँ उस जगह पे जहाँ पे मैं सोच रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को क्या बोलूँगा ऐसा कि आप लोग लिख डालोगे। मान के चलो मैं इस बीच वाले जगह में पांच लिखवाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, बीच में जाके पांच लिखो। अगर मेरे को यहाँ पे पांच लिखवाना है तो मैं क्या बोलूँगा, नीचे से कुंटा तरफ जाके पांच लिखो। ऐसा नहीं भाई, गणित है, हिंदी भाषा ज़्यादा नहीं, मैथ्स के लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे, मैथ्स के लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे, तो बस ध्यान से देखते जाना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक यहाँ पे देखो, ये हो गया R1, R2 या R3, ये हो गया C1, C2, C3, क्लियर है क्या, क्लियर है। अब देखो ये वाला जो है ना, ये वाला जो अवयव है ये किस में आ रहा है, ये ना ये वाला लाइन को देखो, ये क्या है, पहली पंक्ति है R1, ये वाला क्या है, पहली पंक्ति है R1 और पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ है क्या, C1। तो ये किस में आ रहा है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ में आ रहा है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ में। तो ध्यान से देखो इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है तो कैसे लिखूंगा, ए यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 1, 1 में किया, पहले वाला 1 बता रहा है कि कौन से पंक्ति में है भाई, पहली पंक्ति में, और दूसरे वाला बता रहा है कौन से स्तंभ में, दूसरे नंबर के, सॉरी पहले नंबर के स्तंभ में। अब मैं लिखा ए, अब यहाँ पे ये जो है ये इसका स्थान क्या होगा, इसका स्थान अगर ध्यान से देख रहे होगे तो R1 में ही है ये वाला लाइन, देखो R1 में है, और ये वाला लाइन क्या है, ये तो C2 है, तो ये हो जाएगा A1 मतलब पहली पंक्ति, C2 तो यहाँ पे 2 लिख दो, दूसरा स्तंभ। अब ये बताइए इसको मैं क्या लिखूँ, ये है पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में, ये पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये 3x3 का भी बना रहा हूँ, 3x3 का। अब देखो ये वाला देखिए, ये अवयव कहाँ पे, ये दूसरी पंक्ति में है, ये देखो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में, पहले स्तंभ में, तो क्या लिखूंगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये किस में हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्लियर है। ये हो जाएगा A3, देखो तीसरी पंक्ति, ये वाला जो अवयव है ये है तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में, तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ, अब ये है तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और लास्ट वाला है तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ध्यान से देखो इसमें तीन पंक्ति हो गया, ध्यान से देखो ये तीन पंक्ति हो गया, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति, तीन स्तंभ भी हो गया, पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा स्तंभ, क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। तो ये 3x3 का था, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए, यहाँ पे ए स्मॉल ए, आई और जे, आई जे 3x3 का, 3x3 का, यहाँ पे आई क्या है, 3x3 है ना, तो आई कहाँ तक जाएगा, आई जो है
वो 3x3 का है। देखो पहले में जो लिखा है ना, पहले वाला, उसको मैं आई बोला। आई क्या होता है? पंक्ति, पंक्ति को शो करता है। तो कितनी पंक्ति है? 3। तो आई 1, 2, 3 तक जाएगा। जे कहाँ तक जाएगा? जे भी 1, 2, 3 तक जाएगा, क्योंकि स्तंभ 3 है। तो बस इसमें डालते जाओ 3x3 का। तो पहले पंक्ति 1 कॉलम 1, पंक्ति 1 कॉलम 2, पंक्ति 1 कॉलम 3, ये आ गया। फिर पंक्ति 2 कॉलम 1, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, एक आव्यूह का निरूपण करते हैं। अब ध्यान से इधर देखो। अब मैं बोला एक आव्यूह ए है, जिसको मैं ए आई जे, जे से मैं शो किया, और जिसकी कोटि है एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन है। देखो ध्यान से देखो, 3x3 था तो आई 3 तक गया, और जे कहाँ तक गया? 3 तक गया। अब एम क्रॉस एन लिया यहाँ पे, एम क्रॉस एन, तो आई कहाँ तक जाएगा? एम तक जाएगा, यानी कि एम पंक्ति बनेगी, और ये एन क्या है? स्तंभ को शो करता है, मतलब एन स्तंभ बनेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एम पंक्ति बना रहा हूं मैं, ये पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा पंक्ति हुआ, और ऐसे डैश 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 करते 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 ये एम पंक्ति तक गया। एम क्या है हमको तो नहीं मालूम। वैसे ये पहला स्तंभ हुआ, ये दूसरा स्तंभ हुआ, ये तीसरा स्तंभ हुआ, और डैश 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 करते करते ये एनवा स्तंभ तक गया। ध्यान से देखो, ये एनवा स्तंभ तक गया है, और ये एम पंक्ति तक गया है। तो ये क्या हो जाएगा इसका कोटि? एम क्रॉस एन, जहाँ पे एम क्या है, जहाँ पे देखो ये आई क्या है, आई, आई कहाँ तक जाएगा? अगर 3x3 था, आई पंक्ति को शो करता है, तो आई 3 है तो 3 तक जाएगा, 1, 2, 3। यहाँ पे आई क्या है? पंक्ति को शो कर रहा है, कहाँ तक गया? एम तक गया। तो 1, 2, 3 डैश 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 एम तक जाएगा। जे कहाँ तक जाएगा? 1, 2, 3 डैश 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 एन तक जाएगा पूरा। तो ये आव्यूह का निरूपण है। अगर आप लोग ये समझ गए आव्यूह का निरूपण, तो इसका आंसर दे दो, क्लास खत्म करते हैं। मेरे को बताओ A12 क्या है इसमें, सॉरी A11 क्या है? A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A11 की वैल्यू है 1। तो बताओ A12 क्या है? A12 2 है। A13 क्या है? 3 है। A21 है 4। A22 क्या है? A22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। और A23 क्या है? A23 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है 8। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में खत्म करता हूँ। या आप लोग को बेसिक में, आप लोग को मतलब ना कम समय में ज़्यादा बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, नहीं तो क्या है लेक्चर बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे। तब तक ना इसको समझना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो सब आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।